आपके ड्रीम्स को यूज करा है जिन लोगों ने, वो आज की डेट में करोड़पति अरबपति हैं, आप नहीं हो। तो पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए समझ चाहिए, ड्रीम नहीं चाहिए। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। बॉलीवुड में एंट्री मारने के लिए हर रोज बॉम्बे में हजारों लोग ट्रेन से उतरते हैं। वो किसके बेस पे उतर रहे हैं? ड्रीम के बेस पे। सपना ही तो है, सबका पूरा हो जाता है, क्यों नहीं होता? ड्रीम इज इक्वल टू सक्सेस, यही तो आप सोचते हो, ज्यादातर लोग यही तो सोचते हैं। ड्रीम आपके अंदर आएंगे भी तो क्या आएंगे? किसी के अंदर ये ड्रीम नहीं आएगा कि मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, समझ गए ना? ये किसी के अंदर ड्रीम नहीं आएगा। ड्रीम क्या आएगा? कि मुझे हीरो बनना है। ड्रीम कभी भी काम का नहीं आ रहा होता है, उसके साथ में जो जुड़ा हुआ है नेम फेम मनी उसका आ रहा होता है। ड्रीम वहां पर चल रही होती है। तो अब आप कहोगे कि फिर करें क्या? जो आप एक्चुअल में हो उसको समझो। हो सकता है आप बने हो पढ़ने के लिए, आपका जो बेसिक नेचर है शुरू से ही वो है पढ़ाई में इंटरेस्ट है, और जबरदस्ती मूवीज देख करके हीरो बनने के लिए बॉम्बे जा रहे हो, क्या होगा? धक्के खा करके वापस आओगे। दूसरी तरफ से हो सकता है आप बने हो एक्टिंग करने के लिए, स्कूल में कॉलेज में आपने सिर्फ प्लेज में पार्टिसिपेट किया है, ये किया है वो किया, आप हर जगह एक्टिंग ही करते रहते हो सुबह से रात तक, घर में भी बाहर भी, ये भी वो भी, मतलब आप पैदा ही एक्टर बनने के लिए हुए हो और आप पढ़े जा रहे हो पागलों की तरह। आपका ड्रीम है कि मुझे पढ़ाई में टॉप करना है, तो वो ड्रीम कभी पूरा होगा नहीं। तो पहला स्टेप क्या है? पहले समझना कि मैं क्या हूं, उसके बाद भी आपको ड्रीम की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे कैसे आइडेंटिफाई करें? तो आपको पता है कि आपका किसमें इंटरेस्ट है किसमें नहीं है। मुझे नहीं पता है, ये आइडेंटिफाई अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ आप कर सकते हो। नंबर वन, आपको खुद मैनेज करना होता है। नंबर टू, जरूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो अपने लिए, जो भी आपको लग रहा है कि ये मेरा टैलेंट है और उसके बेस पे मैं ये करूंगा, उसमें जाके आपको सक्सेस मिलने वाली है, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है उसके बाद आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाए। तो हाउ डू जज योरसेल्फ? आप कहते हो मैंने अपने इंटरेस्ट को, अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, बेस्ड अपॉन व्हाट? आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग बहुत बैठे हैं। अब अगर उस टैलेंट को आपको अपना प्रोफेशन बनाना है, अगर टैलेंट ऐसा है जिसको प्रोफेशन नहीं बनाना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करो। गार्डनिंग है, अपने घर में जाकर के पौधों को पानी दो, कौन रोक रहा है आपको? बट आपकी प्रॉब्लम कहां से शुरू हो रही है? आप चाह रहे हो कि मैं अपने टैलेंट को अपना प्रोफेशन बना लूं। तो वो कैसे बनाओगे? क्योंकि जो आपको अपना टैलेंट लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूं, हो सकता है आपसे लाख गुना ज्यादा टैलेंटेड लोग बैठे हैं, और जो डिमांड है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो लिमिटेड है, सप्लाई अनलिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो मेरा टैलेंट है सिंगिंग, घर वाले आपको मना कर रहे हैं, तो घर वाले अपनी जगह पे ठीक भी हैं। कितने ऐसे एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, आप कह रहे हो मैं बहुत टैलेंटेड हूं, एक बार जा करके देखो है ना, जो सिंगिंग शोज है वहां पर जा करके देखो कि क्या हो रहा है, फिर अपने आप से ईमानदारी से बोलो कि मैं कहां स्टैंड करता हूं या कहां स्टैंड करती हूं। अब मेरे को अगर उस लेवल पे आना है तो उसके लिए कितना रियाज करना पड़ेगा, सुबह से रात तक क्या क्या करना पड़ेगा, क्या मैं उसके लिए तैयार हूं, कितने सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, क्या मैं उसके लिए तैयार हूं, उसके बाद भी कितना रिस्क इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि उसके बाद भी अंदर घुसना वहां पर इतना सिंपल नहीं है जितना आपको लग रहा है। तो मैं आपको यहां पर डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, आपको एक रियलिटी दिखा रहा हूं, आपको एक शीशा दिखा रहा हूं, ये कोई देखना नहीं चाहता है। आप लोग क्या चाहते हो? बस फटाफट से मैंने ना अपना टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया है और मेरे घर वाले मुझे वो करने नहीं दे रहे हैं, बस। तो आप मुझसे क्या जवाब चाहते हो? कि आपके घर वालों को आपको करने देना चाहिए, उससे क्या होगा? आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप क्या मेरे से जवाब चाहते हो कि भाई मैं ना एक लड़की हूं और मेरे घर वाले बहुत कंजर्वेटिव हैं और मैंने ये लड़का पसंद कर लिया, लेकिन मुझे उससे शादी नहीं करने दे रहे, मुझे तो उसी से शादी करनी है, मुझे उससे प्यार है। ये प्यार वर्ड पता नहीं कहां से आ गया, प्यार की डेप्थ को तो पहले समझो कि व्हाट इज प्यार। प्यार इज अंडरस्टैंडिंग। चार दिन हुए और बड़ा वर्ड हम यूज कर रहे हैं, प्यार है मुझे तो उससे, और घर वाले मना कर रहे हैं बेस्ड अपॉन सम लॉजिक। उस लॉजिक को हम नहीं समझ रहे हैं, बस घर वालों को ब्लेम कर रहे हैं। अब अगर घर वालों ने आपको बोल भी दिया ना, जा तू कर ले, जा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो रोते हुए चार दिन बाद आप घर पे फोन कर रहे होंगे। ये चीजें मैंने बहुत देखी है लाइफ में, उसके बेस में आपसे बात कर रहा हूं। इफ यू आर टेकिंग अ डिसीजन बेस्ड अपॉन राइट अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज राइट अंडरस्टैंडिंग? बाय लुकिंग एट द सिचुएशन फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव्स, नॉट जस्ट फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव, वो बहुत ही लिमिटेड एक पर्सपेक्टिव है ना। रियलिटी को भी देख करके, समझ करके कि मैं सिंगर बनने का सोच तो रही हूं, लेकिन एक्चुअल में मेरी हालत क्या है और मुझे वहां तक पहुंचने के लिए क्या है, और ये इंडस्ट्री कितनी कॉम्पिटेटिव है, क्योंकि आप बात कर रहे हो
अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने की। यहां पर कोई खेल नहीं हो रहा है, कोई मजाक नहीं चल रहा है कि आपने गार्डनिंग करी या नहीं करी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिंगिंग सीख ली 5 साल तक, उसके बाद भी आपको काम ही नहीं मिला, तो करोगे क्या? रोटी कहां से खाओगे? रहने के लिए घर भी चाहिए, उसका अपना खर्चा है, ये है वो है, सब कुछ है। तो अब पॉइंट होता है, अब क्या करें? अब जो घर वाले कह रहे हैं वो करें? नहीं, आपको क्या करना है, अब इसको ध्यान से समझना। पहले अपनी लाइफ का जो एक सेंटर पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई कर लो कि मेरी लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है। दैट हैज टू बी हैप्पीनेस, दैट हैज टू बी सेटिस्फैक्शन, नॉट नेम फेम मनी। वो अगर उसके बेस, क्योंकि मैं इसलिए बार बार आपको ये चीज हिट कर रहा हूं क्योंकि 99% चांसेस ये हैं कि जो भी आप डिसीजन ले रहे होगे वो ले रहे होगे अपने नेम फेम मनी के बेस पे, नॉट बेस्ड अपॉन दिस। तो अब आपको क्या जवाब मिलेगा? आप कहोगे हाँ सिंगिंग मेरा पैशन है। घर वाले क्या कह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल सीए कर लो, सीए करके क्या होगा? एक सेफ एंड सिक्योर जॉब मिल जाएगी। सिंगिंग में मैंने अपने आप से सच बोला कि मुझे पता है कि मेरा जो बेसिक नेचर है वो क्या है। मैं कोई इतनी ज्यादा वो नहीं हूं कि मैं पागलों की तरह सुबह से रात तक रियाज करूं। हर एक का अपना बेसिक नेचर भी होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं अगर जिम ज्वाइन करते हैं तो वो 5 साल तक रोज सुबह जाएंगे, उठेंगे और जाकर के जिम में मिलेंगे आप। आप अगर अपने आप से सच बोलोगे तो आप कहोगे यार मैं 5 दिन में नहीं जा पाती, समझ गए? तो आपको क्या नजर आएगा यहां से कि मैं कोई इतनी ज्यादा वो नहीं हूं पागल या पैशनेट के, मतलब मैं अगर कोई डिसीजन लेती हूं तो मैं उस पर स्टिक रहती हूं। तो आपको ये भी समझ आ गया। और सिंगिंग में एंटर करने के लिए अगर यहां पर जाना है तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब डेली सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे रियाज करना है तो करना ही है, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। आप समझ गए ना? तो आपने अपने आप से सच बोला बेस्ड अपॉन अपना सारा पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पे, यार मैं इतनी कोई ज्यादा वो नहीं हूं, मैं ऊपर ऊपर से तो बोल रही हूं अपने घर वालों को। अगर घर वालों ने कह भी दिया ना जादू कर ले तो मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या करूंगी, मुझे खुद ही नहीं पता। मैं घर वालों के ऊपर ब्लेम तो डाल रही हूँ, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल क्लियर होगा ना मुझे करना है तो घर वाले बीच में नहीं आएंगे। अगर आपको खुद को अंदर से हो कि नहीं मेरी तो आवाज अरिजीत सिंह जैसी है तो फिर कौन रोकेगा आपको? ना घर वाले रोकेंगे ना आप खुद अपने आप को रोकोगे, घर वाले खुद ही कहेंगे हां चल तू जा जो करना है कर ले। इसका मतलब बीच में फंसे हुए हो, ना आप इधर हो ना आप उधर हो, ना तो बिल्कुल ही बेकार सिंगर हो। अगर वो होते तब भी ये थॉट माइंड में नहीं आता। तो किस तरह से सोचना है? पहले अपने आप को सच बोला। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे? मैं कोई ड्रीम्स की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं। आपने अपने आप को समझा, आप किसको समझ रहे हो? खुद को समझ रहे हो। आपको सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। आपको पता है ना आपका बेसिक नेचर क्या है, उसी के बेस पे आपको एक्ट करना है तो आपकी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। ऐसे अपने आप को आपने समझा, आपने कहा हाँ यार मुझे समझ तो आ रहा है पूरा खेल, तो मुझे समझ आ रहा है कि टैलेंट तो है मेरे में सिंगिंग का, बट ये मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं उसको अपना प्रोफेशन बना लूं, ये शौक है। या आपने अपने आप से सच बोला, ये नहीं है कि वो बंदा है उसने जा करके ये किया, अपने पैशन के हिसाब से चला और वो सिंगर बन गया। ये हर कोई सक्सेसफुल होने के बाद ऐसी बातें करता है कि मैंने अपने अंदर की आवाज सुनी और मैंने ये किया और आज देखो मैं कहां हूं। तो तुम्हें भी अगर होना है तो आप कहोगे हाँ यार मेरे भी अंदर से आ तो रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। वो अलग कैरेक्टर है, आप अलग हो, आप खुद को नहीं देख रहे हो, आप उसको देख के उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मछली ने ऊपर आसमान में पंछी को देखा और चार्जडप हो गया, उड़ने में कितना मजा आता है। अबे तू उड़ने के लिए बनी ही नहीं है, अरे समझ तो सही। इसका मतलब क्या है कि तू उससे कम है? अरे नहीं, ना तू उससे ज्यादा है ना तू उससे कम है। तेरी अपनी अलग लाइफ है, उसकी अपनी अलग लाइफ, तेरी अपनी अलग मस्ती है, उसकी अपनी अलग मस्ती है। समझ गए ना? तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? आपने अपने आप से सच बोला। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उस एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हो अपनी सारी की सारी चीजों को। आपने कहा यार ये तो मेरा शौक है, जो सिंगिंग का है ये मेरा शौक है, तो शौक को तो मैं साथ साथ में ही पूरा कर सकती हूँ। मेरे घटा गाना है, क्या दिक्कत है? और मेरे घर वाले क्या कह रहे हैं? सीए कर लो। क्यों कह रहे हैं सीए कर लो? उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होता है। हो सकता है आपके पापा खुद सीए हो और उनकी कहीं पे कोई सेटिंग हो कि जहां पे आपको जॉब तो मिली जाएगी। होता है नहीं होता है? माँ बाप डॉक्टर है तो कहेंगे बेटे को, बेटे चल तू डॉक्टर ही बन जा। और हम क्या करते हैं, मेरे सेशंस देखे इमीडिएटली बस उनके अगेंस्ट ही हो गए, दिमाग नहीं लगा रहे जबकि मैं अपने हर सेशन में बात क्या कर रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग। बट अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है ना, दिमाग भी लगता है, मैकेनिकल थिंकिंग वहां पे काम नहीं आती है। रोबोट की तरह आप नहीं सोच सकते, आपको अपनी लाइफ को समझना होगा, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने होंगे, तो वो लोग नहीं करते हैं। तो अब पॉइंट ये आता है, अब आप क्या करोगे? अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप ये करो या वो करो, मैं क्या कह रहा हूं कि आपको अपने आप को समझ करके फिर ये डिसीजन लेना। मेरे कहने पे नहीं लेना, अपने घर वालों के कहने पे नहीं लेना, उस सिंगर के कहने पे नहीं लेना जो सिंगर कुछ खुद तो बन गया है और आकर के आपसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है।
इन तीन बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। अगर कभी भी ध्यान से अपने डिसीजंस को देखोगे, या तो आप मेरे सेशंस को सुन करके चार्ज्ड अप हो गए, एक्साइटेड हो गए और एकदम से डिसीजन ले रहे हो, या जो बनना चाहते हो उसमें जो आपका आइडल है उसकी बातें सुन करके डिसीजंस ले रहे हो, या अपने घर वालों से आपका पंगा है उनके अगेंस्ट आप डिसीजन ले रहे हो, ये तीनों रास्ते गलत है। आपको क्या करना है, खुद को आराम से बैठ करके समझना है। आपने कहा यार मैं ना, मेरा जो बेसिक नेचर है, मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता, मैं मस्त टाइप की। अरे का अपना नेचर भी तो होता है ना, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए स्ट्रेस भी बड़ा चाहिए होता है, ये याद रखना। जितना बड़ा कुछ करने का सोचोगे, स्ट्रगल भी उतनी ही बड़ी होगी, स्ट्रेस भी उतना ही बड़ा होगा, मेहनत भी उतनी ही बड़ी होगी। जितने बड़े पहाड़ पे चढ़ोगे उतना ही ज्यादा हार्डवर्क भी इन्वॉल्व होगा उसके अंदर। तो आप क्या कहोगे, यार मैं तो हंसने खेलने वाली हूँ, अपना आराम से चिल्ड आउट रहती हूँ, पढ़ाई लिखाई में मैं अच्छी हूँ, तो सीए करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकती हूँ, और साथ में मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कह ही रहे हैं कि आगे यहाँ पे सारा कुछ है ही, तो वहां पे भी वो कर देंगे। बात रही सिंगिंग की, तो मैं अपनी सिंगिंग पे पूरा ध्यान दूंगी, डेली एक घंटा दो घंटा सीखती हूँ, साथ साथ में ट्राई करती रहूंगी, क्योंकि सिंगिंग में ट्राई करने के लिए मुझे पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं डेली एक या दो घंटा निकाल करके अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस करती रहूं, और फिर अगर मेरे में सच में टैलेंट है, ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं जाऊं वहां पर जहां पर टैलेंटेड लोग आए हो, ऐसे किसी कॉम्पिटिशन में जाऊं और जा करके आजमाऊं अपने टैलेंट को, तो अगर टैलेंट में दम होगा तो सीए पीछे छूट जाएगी, टैलेंट आगे निकल जाएगा, समझ गए ना। और अगर वो नहीं हुआ तो सीए भी कोई बुरा थोड़ी है करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपका बेसिक नेचर अगर खुश रहने का है तो आप कहीं भी खुश रह लोगे, और बेसिक नेचर दुखी रहने का है तो आपको कुछ भी दे दिया जाए, एक महल में भी ले आकर के बिठा दिया जाए, वहां भी रोते रहोगे, और जिसका खुश रहने का है वो झुकी झोपड़ियों में भी खुश है। बस होते हैं ऐसे लोग, कभी देखना आप, मतलब जिसका मस्त रहने का नेचर है वो मस्त ही है, और जिसका दुखी रहने का है वो कुछ भी उसको मिल जाए, कुछ भी वो कर ले, वो दुखी ही रहेगा। तो आपको देखना है कि मेरे को अपना बेसिक नेचर कैसा बनाना है।